हाय गाइस, आज के इस नई वीडियो में आपको मैं अपने लास्ट वीडियो के बाद के नए प्लांट्स के बारे में बताऊंगा और जो हमने पहले से लगाए हुए हैं लास्ट कुछ वीक्स में उनकी आगे की ग्रोथ के बारे में भी बात करेंगे और साथ में ही हम कुछ जो नया आज ऐड करेंगे, नए प्लांट्स ऐड करेंगे सीड से, जो ऑर्गेनिक सीड्स हमने लास्ट ईयर जो प्लांटेशन की थी, हार्वेस्टिंग की थी, तो कुछ सीड्स मैंने रख लिए थे, तो उससे कुछ जो सीड्स पड़े हुए हैं तो उससे हम दो नए मेंबर ऐड करेंगे। तो पहले हम आज देख लेते हैं कि ऑलरेडी जो हमारे प्लांट्स हैं उनमें वन वीक के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो आपको याद होगा, एक तो मैंने लास्ट वीक में मूली के प्लांट्स लगाए थे, मूली के सीड्स लगाए थे दो जूट बैग्स में। तो देखते हैं कि वन वीक के बाद उनकी क्या ग्रोथ रही। और साथ में ही मैंने कुछ प्लांट्स लगाए थे नर्सरी से लाके, टोमेटो प्लांट्स, उनको भी मैंने इम्प्लांट किया था। तो देखते हैं कि वो लगे हैं या नहीं लगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको कोई आपका सुजेशन हो, कोई फीडबैक हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका ये सहयोग ही हमें आगे बढ़ाएगा हमारे चैनल में जैसे और भी नई चीज़ें करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं शुरू से ही। ये वो मटर के प्लांट हैं, पी प्लांट्स हैं, जो मैंने वेजिटेबल कैरेट में लगभग 15 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं जो मैंने इसमें सीड्स मार्केट से ला के लगाए थे इसमें। तो ये 15 डेज़ की ग्रोथ है पी प्लांट्स की। इनसे रिलेटेड शॉर्ट्स में डालता रहता हूँ दो तीन दिन के बाद जो इनकी ग्रोथ दिखाने के लिए। तो आप देखिए, इसमें जो हर एक प्लांट में कुछ लीव्स और स्टेम, ये छोटी छोटी बेलें होती हैं, ये आगे की तरफ बढ़ रही हैं। आप ये देखो, तो जैसे थोड़ी और बड़ी होंगी तो इस तरह की वुडन स्टिक्स में इसके आसपास और लगा दूँगा ताकि इनको हम वहाँ पर मैनेज कर सकें। तो ये हमारे पी प्लांट्स हैं 15 डेज़ के बाद सीड्स डालने के बाद। इनको मैंने वेजिटेबल कैरेट में लगाया। आई थिंक एक 3 to 4 मेंबर्स की फैमिली के लिए 3 to 4 कैरेट इनफ होते हैं। तो मेरे पास थोड़ा स्पेस का इशू था, तो मैंने अभी 2 कैरेट्स ही लगाए हैं, सीड्स पड़े हुए हैं, तो हम और कैरेट्स भी ऐड करेंगे। उसके बाद बात करते हैं हमारे गुलदौदी के प्लांट्स की। आपको मैंने शुरू में बताया था कि इन प्लांट्स को मैंने रूट्स के साथ नहीं लगाया, जो ऑलरेडी हमारे पास प्लांट थे उनमें से ही कुछ स्टेम मैंने एक्सट्रैक्ट करके इनको पेपर कप में लगा के, जब थोड़ी सी रूट्स आ गई थी तो इनको इन गमलों में लगा दिया था। अब देखो, नए प्लांट्स, नए लीव्स भी आ चुके हैं इनके ऊपर, तो इसका मतलब ये सक्सेसफुल रहा। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये है हमारा कसूरी मेथी जो मैंने एक वेजिटेबल कैरेट में लगा रखी है। तो इसकी भी आप ग्रोथ देख लें, लगभग इसको भी 10 डेज हो गए हैं मुझे लगाए हुए। तो इनके भी सीड्स मैंने मार्केट से नहीं परचेज़ किए थे, ये लास्ट विंटर में जब मैंने मेथी लगाई थी तो कुछ पौधे रहने दिए थे, तो उन पर जो फलियाँ लगती हैं वो सूख के ब्राउन हो गई थी, तो उनमें से सीड्स मैंने रख लिए थे। तो ये वही सीड्स हैं, तो ये ऑर्गेनिक भी हो गए और मार्केट की कॉस्ट भी बची। उसके बाद ये है मेथी के हैं, वो कसूरी मेथी थी, ये दूसरी मेथी है जो मोटे मेथी के दाने होते हैं। ये बीज मैं मार्केट से लाया था, तो इनको भी लगाए हुए लगभग 1 मंथ के करीब होने वाला है। उसके बाद ये हमारे पालक के प्लांट हैं, इसके साथ ही मैंने लगाए थे, आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं, ठीक है। इनको मैंने बहुत डेंस नहीं लगाया, बहुत डेंस लगाने से पत्ते बड़े नहीं होते, मैंने देखा है लास्ट टाइम मैंने ऐसे किया था, एक एक ट्रे में मैंने बहुत ज़्यादा बीज डाल दिए थे तो ज़्यादा प्रोग्रेस हुई नहीं थी, तो इसलिए मैंने इस बार कम डाला है। तो ये हमारे पालक के प्लांट्स हैं। अब बात करते हैं जो मैंने नर्सरी से ला के मैंने जो टोमेटो प्लांट्स लगाए थे, तो ये मैंने लगभग 20 इंच के गमले में लगाए हैं, 3 गमलों में दो तीन प्लांट्स लगाए हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये सभी ही चल पड़े हैं, यानी आप देख पा रहे हैं कि कोई भी मुरझाया नहीं है। इनको लगभग 1 वीक हो गया लगाए हुए, 1 वीक 4 5 डेज हो चुके हैं। तो ये 4 हमने लास्ट टाइम ऐड किए थे 4-5 दिन पहले, तो 4 गमलों में, एक छोटे गमले में लगाए हैं। तो इनकी भी नेक्स्ट वीक की ग्रोथ मैं आपको दिखाऊंगा। अब बात करते हैं आगे, जो एक नींबू का मैंने नया प्लांट ऐड किया था, कागजी नींबू का, उसकी ग्रोथ। तो इसको भी लगभग
मेरे ख्याल से 15-20 दिन मुझे हो गए हैं नर्सरी से ला के लगाए हुए। तो इसमें आप देखो, इसने भी नए जो आप देख पा रहे हैं, नया जो है लीव्स आने शुरू हो गए हैं, यानी इसका मतलब ये ठीक लग गया है। और नए इसके ऊपर फ्लावरिंग भी हो रही है और कुछ फ्रूटिंग भी है, ठीक है। 2-3 नींबू लगे हुए हैं छोटे छोटे। तो इसको हम लोग कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालते इन प्लांट्स में। मेरा बायो एंजाइम जो मैंने घर में तैयार किया वो, और बायो कंपोस्ट जो हमने घर में तैयार किया है वही डाला है इसकी रूट्स में। और ये हमारा एक लेमन प्लांट है, मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, इसमें पत्ते और आ गए हैं लेकिन अभी इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं हो रही है अब। तो गाइस, ये हमारे किचन गार्डन का एक एलोवेरा प्लांट है। इसको मुझे 3-4 मंथ्स हो गए हैं। मैं एक सिंगल ऐसे वाली लीव लेके आया था कहीं से, वो मैंने लगाई थी। उसके बाद आप देख पा रहे हैं ये कैसे फुल हो गया। इस वजह से हम 2-3 बार ऐसे जो लीव्स हैं वो एक्सट्रैक्ट भी कर चुके हैं इसका। जैसे आप कुछ भी पर्पज़ कर सकते हो, फेस क्लिनजिंग के लिए या बहुत सारी चीज़ों में, दवाइयों में ये यूज़ होता है। तो ये मेडिसिनल प्लांट एक कंटेनर में आपके किचन गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। पर्पज़ इसके बहुत सारे हैं, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं। आप YouTube से या किसी और सोर्स से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो एलोवेरा में भी बहुत सारे जो है वेरिएंट्स आते हैं। तो आप जब भी प्लांट करें थोड़ा देख करें कि जो ह्यूमन बींग्स के लिए हेल्दी हो। तो ये मैंने जो प्लांट लिया था, ये एक फार्मर है हमारे यहाँ पर जो प्रोफेशनली इसको ग्रो करते हैं मेडिसिन पर्पज़ के लिए। तो इसका जो मैं मेन जो प्लांट है उनसे ही लेके आया था। तो कुछ दिन पहले मैंने यहाँ बीच में से कुछ पार्ट निकाला था, तो आप देखो बीच में से ही दोबारा लीव्स निकलनी शुरू हो गई हैं। तो आप भी रेगुलरली बेसिस पे, जैसे हर संडे आप एक लीव एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं 15 डेज़ में। तो इसका जेल एज अ ब्यूटी प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो फेस क्लिनजिंग में या और चीज़ों में। तो ये बहुत बढ़िया रहता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत बढ़िया हैं। तो ये लीव काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको आज एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो ध्यान से, इसमें साइडों में थोड़े थोड़े कांटे भी होते हैं, ज़्यादा लगते तो नहीं है। तो मैंने ये लीव एक्सट्रैक्ट कर लिया और आज की अपनी हार्वेस्ट में इसको भी मैंने ऐड कर दिया। बात करते हैं जो नए मेंबर हमने ऐड किए थे। तो आप देखो, इनको एग्जैक्ट 1 वीक हुआ आज। इन कट्टों में मैंने सीमेंट के जो खाली कट्टे होते हैं हाफ फोल्ड करके मिट्टी डाल के लगाए थे। तो आप देखो, सभी के सभी जो बीज हैं वो अंकुरित हो चुके हैं, छोटे छोटे पौधे लग चुके हैं। तो इनका अच्छा रहा रिस्पॉन्स। साथ ही मैंने एक छोटी ट्रे में कैप्सिकम के, शिमला मिर्च के बीज लगाए थे, जो घर में जो ग्रीन कैप्सिकम से निकले थे वो लगाए। अभी इसमें कुछ रिजल्ट नहीं है, मुझे लग रहा है इसको 1 वीक अभी और लगेगा। साथ में मैंने एक ये पुरानी गैलन को काट के रेडी किया है। आज के हमारा जो टारगेट है, इसमें भी हम लोग नए सीड्स डालेंगे जो मैंने लास्ट ईयर के रखे हुए थे। एक धनिया के बीज हैं हमारे पास, लास्ट ईयर जो मैंने धनिया लगाया था तो उसके सीड्स रख लिए थे, और साथ में ही कसूरी मेथी के। हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम एक जो मेथी के बीज हैं उनसे मेथी के पौधे कैसे उगा सकते हैं। तो मैंने एक ये चौड़ी ट्रे ली है, ट्रे नहीं है बेसिकली, ये एक गैलन थी मैंने काटी है जो काफ़ी अच्छा साइज़ था। तो ये ज़्यादा डीप नहीं है क्योंकि मेथी के पौधे को ज़्यादा गहरी मिट्टी नहीं चाहिए होती है। तो आई थिंक 2 या 3 इंचज़ ही है ये गहरी। तो मैंने इस पर मिट्टी स्प्रेड की और साथ में एक अपना जो बायो कंपोस्ट मैंने तैयार किया था ऑर्गेनिक, उसका मिक्सचर डाला हुआ है। ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है
तो आप रहने दे सकते हैं, सिर्फ मिट्टी और जो आपके पास फर्टिलाइज़र है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो वो ऐड कर सकते हैं। और ये वो सीड्स हैं जिसमें आप देख पा रहे कुछ सीड्स हैं, ये मेथी के लास्ट ईयर जो हमने लगाई थी कसूरी मेथी, तो उसी के प्लांट से एक्सट्रैक्टेड है, ये बाज़ार से नहीं खरीदे हुए हैं। तो इसको भी मैं इस पर इवनली स्प्रेड कर दूंगा। स्प्रेड करने का कोई ख़ास मेथड नहीं है, आप नॉर्मली जैसे आप चीज़ें फैलाते हैं वैसे फैलाना है आपको, ठीक है। और उसके बाद एक पतली मिट्टी की लेयर से इसको ढक देना है और मिट्टी को थोड़े हल्के पानी से मॉइस्चर के लिए पानी स्प्रिंकल कर देना है। तो ये बीज है, इस पर साथ थोड़ा रफेज भी है, कोई नहीं, ये भी और खाद का ही काम करता है, तो हम साथ में ही इसको भी कर देते हैं। इनमें जो सीड्स होंगे वो जर्मिनेट हो जाएंगे, जो रफेज है वो खाद का काम करेगा। तो यूजली मैं सीड्स के साथ इसको रहने देता हूँ, निकालता नहीं हूँ। तो आप देखिए मैंने सीड्स हैं जो इसके ऊपर प्रॉपर स्प्रिंकल कर दी है। अब मिट्टी की बिल्कुल पतली लेयर है जो मैं इसके ऊपर बिछा दूंगा और पानी स्प्रिंकल करूंगा। तो इसका 1 वीक बाद का आपको मैं आउटपुट दिखाऊंगा। जो मेथी के जो सीड्स हैं खासकर कसूरी मेथी के, ये 1 वीक में जर्मिनेट हो जाते हैं। धनिया को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। आज मैंने दोनों चीज़ें इकट्ठी लगाई हैं, 1 गैलन के साइड में धनिया के बीज लगाए हैं, 1 में मेथी के। तो 1 वीक के बाद देखेंगे जो चेंजेस आएंगे। तो अभी हम लोग धनिया लगाने जा रहे हैं, ये कोरिएंडर लीव्स है, धनिया के कोरिएंडर सीड्स हैं, धनिया के सीड्स हैं। लास्ट टाइम जो हमने धनिया लगाया था तो उसमें से कुछ जो लीव्स से मैंने एक्सट्रैक्ट नहीं किए थे, तो ये जो फ्रूटिंग उस पर हुई बाद में, ये जो बीज थे इनको पूरा सूखने के बाद मैंने रख लिया था। तो आई थिंक ये मोर ऑर्गेनिक है जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, तो मैंने इसको एक पॉलिथीन में डाल कर रख लिया था। तो अभी इसको हम दोबारा प्लांट करेंगे, तो मुझे हमें देखने जैसे मैं अभी लगाऊंगा और 1 वीक के बाद देखेंगे या 10 डेज़ के बाद भी ग्रोथ होती है या नहीं है। इसमें मैंने कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की, कोई केमिकल वगैरह नहीं लगाया, 100% ऑर्गेनिक ही है। ये जो सीड्स हैं हमारे घर में लगे हुए प्लांट से ही मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं, तो मैं इनको इस ब्लैक कलर की जो गैलन मैंने काट के रखी हुई है, ये वाइड है काफ़ी और इसमें ज़्यादा गहराई नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इनको ज़्यादा मिट्टी नहीं चाहिए होती है। तो मैं इसमें लगाऊंगा और देखते हैं कि 1 वीक के बाद इसमें क्या ग्रोथ रहती है। तो मैं आपको टाइम टू टाइम दिखाता भी रहूँगा कि इसमें ये जर्मिनेट हुए या नहीं हुए या कितना धनिया लगा इस पर। तो हम इसको किसी पैटर्न की ज़रूरत नहीं है, बस रैंडम पैटर्न में इस पर स्प्रेड कर देंगे। और इसके बाद इसके ऊपर एक मिट्टी की पतली लेयर लगा देंगे और पानी का हल्का सा छिड़काव कर देंगे और रेगुलरली इसको हम लोग इसे मॉइस्चर बना रहने देंगे ताकि सीड जर्मिनेशन इजीली हो सके। तो देखते हैं अभी इसको मैं एक बार एक पतली लेयर मिट्टी की डाल देता हूं ऊपर। गाइस मैंने इसमें जो सीड डाले थे अभी धनिया के, उसके ऊपर एक मिट्टी की पतली लेयर बिछा दी है। अब इसके ऊपर जो पानी डालना है आपने बिल्कुल खुला पानी डालना है, हल्का सा स्प्रिंकल करना है ताकि नहीं तो बीज क्या होगा इकट्ठे हो जाएंगे, मिट्टी से बाहर आ जाएंगे, जैसे देखो मैं कर रहा हूँ, या आप किसी स्प्रिंकलर की मदद से भी कर सकते हैं आपके पास है तो, नहीं तो इस तरह से हाथों से आप कर सकते हैं, जिससे मिट्टी भी सेट हो जाएगी और पानी का मॉइस्चर, पानी से मॉइस्चर आ जाएगा मिट्टी में, तो सीड जर्मिनेशन ईजी हो जाएगा। तो इस तरह से आप पानी ऐड करें और ध्यान रहे बस पानी सूखे ना और ज़्यादा धूप में नहीं रखना इसको। तो 1 वीक, एग्जैक्ट 1 वीक के बाद का मैं अब आपको दिखाऊंगा कि 1 वीक के बाद कितना जर्मिनेशन हुआ है। तो मैंने मिट्टी की एक लेयर लगाने के बाद इस पर पानी स्प्रिंकल कर दिया है। और ये है हमारा जो बैंगन के मैंने पौधे लगाए हुए हैं, लास्ट वीडियोस में भी दिखाए हैं, इन पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है, फ्रूटिंग भी काफ़ी है। तो आज हम इसमें से बैंगन भी निकालेंगे, वीडियो के लास्ट सेक्शन में मैं आपको दिखाऊँगा जो हम इसमें से फ्रूट लेंगे। आप देख पा रहे हैं फ्लावरिंग, इस पर भी मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ किया,
वही हम बायो एंजाइम और बायो कंपोस्ट को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि घर में लगाने का फ़ायदा यही है कि आप कोई भी केमिकल बेस्ड कोई भी फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड ना यूज़ करें। तो मैंने एक पेस्टिसाइड भी बनाया है घर में जो ऑर्गेनिक है, तो उसका बनाने का मेथड भी मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियोस में। ये हमारा चिली प्लांट है, ग्रीन चिली प्लांट है, आप देख पा रहे हैं इस पर भी काफ़ी जो चिलीज़ हैं आ चुकी हैं, तो उसमें से कुछ चिलीज़ हम लोग आज निकालेंगे। इस पर इनिशियली ये जो पौधा जब लगा था तो कोई भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं हुई थी, तो मैंने इसमें बायोएंजाइम्स डालना शुरू किया फ्रूट बेस्ड जो मैंने बनाया हुआ है। तो उसके बाद मुझे लगा कि इसमें फ्लावरिंग शुरू हुई है, फ्रूटिंग भी लगी है, फ्रूटिंग भी हुई है। ये एक और प्लांट है हमारा जिसपे दो तीन हरी मिर्च लगी हुई है, दो इधर लगी हुई है, एक आधा फ्लावर भी लगा हुआ है। और ये हैं हमारे टमाटर के जो प्लांट हैं, टमाटो प्लांट्स। ये मैंने घर में जो हरा घर में जो टमाटर आते सब्जी के, उनके सीड से इन प्लांट्स को रेडी किया था, इनको मार्केट से नहीं परचेज़ किया। दोनों ही ऑप्शन होते हैं, आप उससे भी रेडी कर सकते हैं और साथ में मार्केट से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। मार्केट से परचेज़ करने में थोड़ा इंस्टेंट हो जाता है कि सब कुछ रेडी है, आपको बस पौधा लगाना है। और अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा मिंट की लास्ट वीक की ग्रोथ मैंने दिखाई थी। अब उसके एग्जैक्ट वन वीक के बाद आज इसमें से कुछ लीव्स हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और ये एलोवेरा प्लांट है, तो ये इंटरेस्टिंग लगता है जब आप घर में कुछ ऐसा लगाते हैं। एक तो मैंने बताया था कि स्ट्रेस रिलीव होता ही है आपका इन चीज़ों को करने से। ऑर्गेनिक जो सब्जियां हैं वो आपके पास अगर जगह है तो आप इस तरह से मैनेज कर सकते हो, तो ये इजी रहता है, इंटरेस्टिंग रहता है। तो आज हमारा एक तो ये हो गया कि हमने दो नए मेंबर ऐड करने हैं, धनिया और कसूरी मेथी। साथ में ही मैं एक जो मैंने बायो एंजाइम बनाया है उसको मैंने डाइल्यूट किया, इस बोतल में डाला है, तो हम रेगुलरली 10-15 डेज़ बाद इसको भी प्लांट्स पे स्प्रे करेंगे ताकि इनकी अच्छी ग्रोथ हो सके। इनके लीव्स के ऊपर रूट्स में भी पानी में डाइल्यूट करके हम लोग डालते ही हैं, लेकिन इनके प्लांट्स के जो लीव्स हैं उस पर भी डालना चाहिए। और नेक्स्ट वीक मैं इसमें जो हमारा बायो एंजाइम रेडी है जो पेस्टिसाइड का काम करता है, जो मैंने बिना किसी केमिकल के रेडी किया है, तो उसको स्प्रे करूंगा। तो अल्टरनेटिव वीक पे आप ये कर सकते हैं ताकि कोई भी बग्स हैं या कोई भी जो चीज़ें हैं जो कीड़े हैं या जो चीज़ें हो जाती हैं वो सब इसको जो प्लांट्स को है नुकसान ना पहुंचाएं। तो गाइस अभी इस वीडियो में इतना ही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना प्यार बनाए रखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने सजेशंस भी दें। तो मैं इसमें सिंपल अप्रोच से ही चल रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने बात की थी प्ले अलोंग अप्रोच, कि जैसे जैसे मैं ऐड करता रहूँगा हम लोग वीडियोस में वो चीज़ें देखते रहेंगे। थैंक्स, हम आशा करते हैं कि आपका आज का जो वीडियो सेशन है आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। और इसी तरह से आप बने रहिए चैनल पर, और नेक्स्ट वीक हम दो नए मेंबर और ऐड करेंगे, दो नए प्लांट्स सीड से कैसे तैयार कर रहे हैं तो वो आपको हम बताएंगे, साथ साथ जो हमने नए लगाए हैं इनकी ग्रोथ भी आपको दिखाते रहेंगे। गाइस तो ये आज की हमारी संडे हार्वेस्ट है, जिसमें से मैंने कुछ चीज़ें प्लांट से एक्सट्रैक्ट की हैं, बैंगन हैं, कुछ मेथी के प्लांट्स हैं, पालक है और साथ में पुदीना है। तो ये बहुत सेटिस्फाइंग होता है जब आप खुद कुछ ही उगाएं ऑर्गेनिक वे में और आप उसको अपने हाथ से इस तरह से हार्वेस्ट करते हो, तो बहुत सेटिस्फाइंग सा लगता है कि हमने कुछ तो जो हमारे से रिलेटेड नहीं था वो किया और हार्वेस्टिंग भी की। इनको जब यूज़ करेंगे तो इनका जो टेस्ट है वो भी मार्केट से जो आप परचेज़ करते हो उससे ज़्यादा बढ़िया रहता है, ऑर्गेनिक भी है और शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा है। तो मे भी जैसे हमने स्टार्ट किया है तो आने वाले टाइम में हम इससे ज़्यादा चीज़ें भी हार्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमने अभी कम क्वांटिटी में प्लांट्स लगाए हैं, तो अभी हमारे लिए इतना भी होना बहुत सेटिस्फाइंग सा है। तो आप भी इस तरह से कोशिश कीजिए।